नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को ऑल अबाउट कार्स चैनल में। तो हम लोगों ने हाल ही में दो प्रोडक्ट्स मंगाए अपने कार के टायर के रिलेटेड। एंड तो ये है हमारा पहला जो है वो टायर गॉज आता है, एंड जो दूसरा आता है वो एयर कंप्रेसर आता है। तो आज आपको इस वीडियो में पूरी आपको रिव्यू देने वाले हैं कि इन दोनों प्रोडक्ट्स की क्वालिटी कैसी है, एंड साथ ही साथ आपको बताएंगे कि लास्ट में कि ये प्रोडक्ट्स परचेस करने लायक है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टायर गॉज वाले की, जो कि ये आता है। अब इस टायर गॉज की बात करें तो इसमें एक नॉर्मल सा बटन आता है, जिस पर आप क्लिक करोगे तो इसकी डिस्प्ले ऑन हो जाएगी। और इसमें मोड जो है वो चार आते हैं, PSI, बार, KPA और KG। किलोग्राम प्लस हाँ हाँ और सबसे हमें अच्छी तो बात PSI PSI में करना है, क्लिक कर दिया। एंड सबसे अच्छी बात है, जो चीज़ आपके टायर के उस पॉइंट पे जाके लगेगी उसकी लाइट भी बहुत तेज है, तो रात बारात में अगर आपको चेक करना है दिख रहा है कैमरा में, हाँ, तो बहुत बहुत अच्छी है। थोड़ा सा बस ये जो बटन है थोड़ा सा फ्लिमजी है, उसके अलावा ठीक है, क्वालिटी इतनी कुछ बुरी नहीं है। तो यूज़ कैसे करना है, PSI पे रखना, क्योंकि इंडिया में जनरली PSI चेक करते हैं। टायर की नॉब मैंने हटा दी, एंड इसको आपको फर्मली इस पर एक बार ऐसे रखना है। अब जैसे मैं ढीला कर रहा हूँ तो देख सकते हैं एयर निकल रही है, तो देख सकते हैं फर्मली रखा तो भाई ऊपर से दिखाओ जो दिख रहा है, देख सकते हैं जैसे फर्मली रखो तो देख सकते हैं आप इसकी आ चुकी रीडिंग 32.6। तो इस तरह से करके आप अपनी रीडिंग्स थोड़ा बहुत निकालता रहता है, हल्का फुल्का, हाँ निकालता रहता है वो। एक्चुअली एक दो बार आप टेस्ट करोगे तो आपको आसानी से पता लग जाएगा कि कैसे यूज़ करना है। मैंने अभी क्योंकि नया नया यूज़ करा, जैसे अब इसकी 32.6 है, ऐसे करके आप सबकी चेक कर सकते हो। एंड सबसे अच्छी बात है, अगर आपको एयर ज़्यादा है तो आप निकाल भी सकते हो। एंड आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप टायर की हवा चेक करो, टायर हमेशा आपके कोल्ड स्टेट पे होने चाहिए, हॉट स्टेट पे कभी भी आपको एक्यूरेट रीडिंग नहीं मिलेगी। हाँ तो ये बिल्कुल सही है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसमें 32.6 है, अब मैं चाह रहा हूँ कि इसमें 34 गैस हो जाए, तो अब हम लोग का काम में आएगा ये हमारा एयर कंप्रेसर जो मैंने अमेजोन से परचेज करा है। सही चला तो हाँ, अब इसमें सबसे मजे की बात क्या है कि इसमें आपको चार और भी मिलते हैं इसके आगे लगाने के लिए। तो अगर आपको कोई बास्केटबॉल में हवा भरनी, फुटबॉल में भरनी है, कोई आपको अपने बच्चों का कुछ भी पूल वगैरह फुलाना है तो उसमें भी आप काम, ये आगे उसके और इंस्ट्रूमेंट लगने के, ये टायर में हवा भरने के, और ये फ्यूज है, ये एक्स्ट्रा फ्यूज। ठीक, तो अब इसे यूज करते हैं। हाँ, तो ये हमारा ये है। आप इसमें 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 जो ये वाला बटन है, ये लाइट वाला बटन है, जैसे रात रात बिरात में जैसे अंधेरे में लाइट लगा, ठीक, तो ये ऐसे हो जाएगा। और इस साइड जो है आपका पावर बटन है। ठीक, तो आपको सिंपल क्या करना है, अपने टायर में इसको ऐसे करके फिक्स करें। अच्छी बात ये भी है ना कि और जो आ रहे हैं इस रेंज में, हाँ, उसमें ऐसे घुमाने रिंग वाला सिस्टम है, इसमें लॉक सिस्टम, इसमें ऐसे करके आपने कर दिया इसको लॉक। अब बटन दबाया तो देख सकते हैं हवा भरनी स्टार्ट हो चुकी है, 12 वोल्ट के देख सकते हैं दोस्तों सॉकेट में लगा हुआ है। इसमें ऑटो कट ऑफ भी है? नहीं, ऑटो कट नहीं, क्योंकि मैनुअल है ये, आपको रीडिंग चेक करती रहनी होगी, अगर जैसी उसकी हो जाए तो आपको बंद कर देना होगा। मतलब जैसी रीडिंग अपने हिसाब की हो जाएगी हमें बंद करनी पड़ेगी। हाँ, ये ऑटो वो नहीं है कि आप इसमें मीटर सेट कर लो और फिर बंद हो जाए। इसमें एक्चुअली क्योंकि ये डिजिटल है, वो आपका क्या नाम है, वो आपका डिजिटल नहीं है ना। हाँ, तो डिजिटल और मैनुअल में जो है वो एक PSI का फर्क, एक दो PSI का तो फर्क रहेगा ही रहेगा। मैं इसमें से हवा निकाल दी है क्योंकि चेक करने के लिए, तो आपको दिखा देता हूँ कि इसमें हवा जो है 27.9 है, तो हवा कम हुई है लगभग, हम अब इसमें 32-33 कर लेंगे। पहले चेक करते हैं कि जो ये वाला मीटर है ये कितनी दिखा रहा है हवा। तो हमने लॉक कर दिया, तो ये जो हवा दिखा रहा है ये 25 के आसपास हवा दिखा रहा है ये। ठीक, आप वो दिखा रहा था है, वो 27 दिखा रहा था। हाँ, वो मतलब 20, दो का फर्क है। हाँ, दोनों में दो का फर्क है। चलो, अब 27 दिखा रहा है तो ये 25 दिखा रहा है, हमें 32 करनी है। हाँ, स्टार्ट करते हैं। अब इस वाले मीटर चेक करते हैं कि कितनी हवा है। इसको बताया दोस्तों, मैं साथ ही साथ टाइमर भी चला रहा था, टाइमर में लगभग थोड़ा देर में बंद की 18 सेकंड के आसपास में अच्छी खासी स्पीड है इसकी तो। हाँ, अब देखते हैं कि उसमें वाकई गैस भरी है कि नहीं भरी है। ये मैंने लगाया 31.3 के आसपास भर गई है, तो 27 दिखा रहा था, इतनी जल्दी चार भर दी। अगर भर दिए तो बहुत बढ़िया, बहुत सही भर रहा है। अब पॉइंट ये है कि आप इसकी रीडिंग जो है, मैं समझता हूँ ज़्यादा एक्यूरेट मानो आप,
तो मतलब अभी इसमें आप दो तीन दो दो चार पाँच दस दस मिनट तक ना ना इस मामले में तेज है, बहुत सही भर रहा है, क्योंकि काफी मैंने जो इस रेंज में देखे हैं और लाइट भी अच्छी तेज है, जो इस मामले में मैंने काफी देखे हैं ना वो सारे के सारे जो है वो काफी दिल आ रहे हैं। तो हाईली रिकमेंडेड है आपको दोनों प्रोडक्ट, अगर आपको बाय करना है तो इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी उसके अलावा हाँ एक प्रोडक्ट हमने और मंगाया था जिसकी वीडियो आपको नेक्स्ट वाले में मिल जाएगी। भाई कहाँ गया वो? सिल्वर स्ट्रिप्स मंगाई थी आगे एसी वेंट्स में लगाने के लिए, जो देख सकते हैं दो ऑलरेडी लगा भी लिए हमने, तो अब ये पूरी करके सारे एसी वेंट्स में लगेगी। तो बस दोस्तों इसी नोट पर वीडियो को एंड करते हैं, किसी में से वीडियो पसंद आई डेफिनेटली आप लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं ऑल अबाउट कार्स चैनल को। बस ये पैक बंद कर दो, गाड़ी बंद कर दो, मच्छर बहुत हैं, मच्छर खा गए मुझे।